मैं कहता हूं हमें 5 साल दे दीजिए, हम कश्मीर को देश का सबसे ज्यादा विकसित राज्य बनाए। मैं कश्मीर घाटी के युवाओं को कहना चाहता हूं, भरोसा करिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर कुछ नहीं होने वाला। ये बरगरा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, जो आपको के अपनी पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं उनकी मत सुनिए। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय कश्मीर के युवाओं को कि एक 5 साल के अंदर कश्मीर के अंदर परिवर्तन आएगा, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि 70 साल जो चीज को लेकर निकले वो चीज ही ठीक नहीं। 370 को बचाने के लिए या कश्मीर को बचाने के लिए कम विधवा हुए गुलाम नबी आजाद साहब, विधवाएं जरूर हुई हैं, 41,000 से ज्यादा लोग मारे गए हुई हैं, मगर 370 के कारण। और मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं घाटी के लोगों को, 70 साल तक 370 के साथ जिए। ये 370 के वादों को कांग्रेस सरकारों ने बार बार दोहराया, गुमराह किया। मैं कहता हूं हमें 5 साल दे दीजिए, हम कश्मीर को देश का सबसे ज्यादा विकसित राज्य बनाए। मैं कश्मीर घाटी के युवाओं को कहना चाहता हूं, भरोसा करिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर कुछ नहीं होने वाला। ये बरगरा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, जो आपको के अपनी पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं उनकी मत सुनिए। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय कश्मीर के युवाओं को कि एक 5 साल के अंदर कश्मीर के अंदर परिवर्तन आएगा, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि 70 साल जो चीज को लेकर निकले वो चीज ही ठीक नहीं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास हो गया है, पक्ष में 125 वोट पड़े हैं, विपक्ष में 61 वोट पड़े हैं। इस बिल को लेकर लगातार पूरा का पूरा लगभग विपक्ष तैयार था सरकार को आड़े हाथ लेने के लिए, उनकी कमान संभाली हुई थी इस वक्त जो आप देख रहे हैं गुलाम नबी आजाद ने, लेकिन उन्होंने कहा कि ये काला दिन है। इस बीच उन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए एक एक बात का जवाब दिया है गृहमंत्री अमित शाह ने, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास हुआ है और साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को यह भरोसा दिलाया है कि आप हम पर यकीन करिए, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है और ना ही आगे होगा, और जो लोग आपको बहका रहे हैं उनकी बातों में बिल्कुल मत आइए। उन्हीं लोगों की वजह से जम्मू कश्मीर वो मकाम हासिल नहीं कर पाया है जो उसे अब तक हासिल कर लेना चाहिए था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल आखिरकार पास हो गया है राज्यसभा में, इस वक्त आप देख रहे हैं अमित शाह को, पक्ष में 125 वोट पड़े हैं, विपक्ष में 61 वोट पड़े हैं। प्रधानमंत्री ने इस बीच गृह मंत्री को बधाई दी है, ये ऐतिहासिक फैसला है, ये ऐतिहासिक बिल है जो कई दशकों से इंतजार कर रहा था, ये वो आज का ऐतिहासिक दिन है जिसका इंतजार पूरा का पूरा देश कर रहा था। वन नेशन वन लॉ, जी हाँ, अभी तक आपने वन नेशन वन टैक्स सुना था लेकिन अब वन नेशन वन लॉ होगा।